नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप आपको ये जो सीरियल चल रही है गणित का और विज्ञान का, आपको अच्छा लग रहा होगा। और आपको बता दूं, इस सिचुएशन में आप अपने घर में रहिए, स्टे होम रखिए और पढ़ाई में विशेष ध्यान दीजिए, आगे एग्ज़ाम ज़रूर होगा। चलिए दोस्तों, हमारा जो गणित है, ट्रिक है, उसमें हम लेके चलते हैं विजय व्यंजक। विजय व्यंजक से साथियों, ये आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हमने इसको लेके आए हैं। आज मैं x घात 4 तक के क्वेश्चन बताऊंगा और फार्मूला भी बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा ना बने इसलिए मैंने थोड़ा सा कम लिया है। तो हम सबसे पहले आपको फार्मूला बता देता हूँ, फार्मूला कैसे याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो, इसके बराबर हमको इसको याद करना है। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है और ए लिए हैं, क्या लिए हैं, ए लिए हैं। तो यहाँ पर रखना है आपको बराबर करके, ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस है तो यहाँ प्लस लिखना है और यहाँ पर क्या कर देना है, आपको टू कर देना है, ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस है, स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे टू रखना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे माइनस है, त्रिघात है तो ए का त्रिघात करना है माइनस, यहाँ पे जो टू है उसको टू तो लिखना ही है, ये टू ए हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए का त्रिघात हो जाएगा, त्रिघात है, प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। साथियों यहाँ पे याद रखना, दो की कमी होती है a में, दो की कमी, देखिए यहाँ a में दो की कमी करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, a में दो की कमी करें, एक की घात दो में कमी करेंगे, यहाँ एक की घात तीन है, तीन में दो घटा दो a बचेगा और यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे दो घटा दीजिए, तीन माइनस दो कर दीजिए, 2a हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखो, एक की घात चार हो जाएगा, मैंने कहा माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अब इसमें दो घटा दो, ए की घात चार में दो घटा दो, कितना बचेगा, पहले हमको फोर लिखना है, ठीक है, फोर लिखना है और ए की घात चार में दो घटा दो कितना बचेगा, ए की घात दो बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लस टू करना है, क्योंकि माइनस था इसलिए मैंने प्लस लिखा। यहाँ भी ए की घात चार है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फोर ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, इस प्रकार से करना है सारी। यहाँ साथियों, यहाँ पे 3a रहेगा, यहाँ पे 3a, यहाँ इसको उल्टा कर, 3a 4a, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रहेगा क्योंकि जो घात है उसमें दो की कमी होती जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे दो की कमी करेंगे, दो यहाँ पे चार में दो हो गया, चार में दो घटाएंगे दो बचेगा, इस प्रकार से थोड़ा सा लॉजिक लेते हैं याद रखने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे दो लिखा था गलत था, 3a, यहाँ पे 4a, यहाँ पे 2। आई होप ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होते हैं तो ये आपका मिनटों में बन जाएगा, सेकंड में बन जाएगा, चुटकी बजाते जैसे। चलिए इसको मिटाता हूँ और क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, x माइनस वन बाई एक्स बराबर दो हो तो एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स त्रिघात माइनस वन बाई एक्स त्रिघात का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर ए, इससे हमको तुलना करना है जो दिया हुआ है इसको। तो यहाँ पे देखो, इसके बराबर ये हो गया और a बराबर क्या दिया हुआ है, दो, तुलना करना है। तो a बराबर क्या हो गया, यहाँ पे दो हो गया। इसके फार्मूला क्या होते हैं, a का त्रिघात माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा 3a। अब इसी में मान रखना है अपने को, a का मान कितना है, दो है, दो की घात तीन हो जाएगा, 3 × 2 हो जाएगा, तीन बार गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 × 3 = 6 और ये 14, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर का, देखिए दूसरा नंबर में एक्स त्रिघात प्लस वन बाई एक्स त्रिघात के फार्मूला लगाना है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, तुलना करना है एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर ए से, तो ए बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3। देख सकते हो ए बराबर 3 दिया हुआ है। तो इसी में हमको फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, ए का त्रिघात प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब मान रखिए इसमें तो 3 का त्रिघात हो जाएगा, ए का मान 3 है, 3 इंटू ए तो 3 इंटू ए इंटू 3, 3 का 3 बार गुना करेंगे 27 हो जाएगा और 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 27 में हम 9 घटाएंगे कितना बचेगा 18। ये देखो इसका आंसर सिंपल है। अब यहाँ पर देखो इसका निकालेंगे एक्स घात 4 माइनस 1 बाई एक्स घात 4 बराबर, फार्मूला क्या होता है, ए की घात 4 माइनस है तो प्लस कर देंगे, 4 ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ए बराबर क्या दिया हुआ है, ए बराबर कितने दिया है, 6 दिया हुआ है, तो मान रखिए ए की घात 4 मतलब 6 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो 6 का 4 बार गुना तो 6 का 36 और 6 का 36, अब इसको गुना करके देखते हैं, 6 का 36, 6 तिया 18 3 21 और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 3 त्रिक 9 और 1 10, 6 9 2 1296, ठीक है, कितना हो जाएगा 1296 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 6 का 36 और 36 चौक 144 तो 144 हो जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे कितना है प्लस 2 है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1296 144 2 2 6 6 और 6 12 हासिल आया 1 5 5 और 9 14 हासिल आया 1 1 और 1 2 2 और 2 4 कितना आ जाएगा 1442 कितना हो जाएगा 1442 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स घात 4 1 बाई एक्स घात 4, फार्मूला क्या हो जाएंगे, ए की घात 4 प्लस है तो माइनस लिखेंगे, 4 ए का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर क्या दिया हुआ है देख सकते हो, ए बराबर क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे 7 की घात 4 हो जाएगा माइनस 4 गुना 7 की घात 2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। 7 का 4 बार गुना करके देख लीजिएगा, यहाँ पे आता है 2401 49 चौंक होता है 196 प्लस 2, ठीक है, इसको योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2403 हो जाएगा माइनस 196 हो जाएगा, और 2403 को में 196 को यदि हम घटाते हैं तो कितना हो जाता है, देखो 13 में 6 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे 9 में 9 गया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 4 में 1 गया तो कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी यहाँ पे 3 बचेगा तो 3 में 1 गया तो कितना बचेगा 2 हो जाएगा, 2 का 2 मतलब कितना बचेगा 2207 बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बनाने हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है।